सेना के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के एरिया में जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जबलपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर तीन चोरों ने आर्मी के जीआरसी इलाके में जाकर वहां पर लगे लोहे के पाइप और एंगल को चोरी कर लिया। चोरी के बाद आर्मी के अधिकारियों ने चोरी की घटना की रिपोर्ट गोरखपुर थाने में की थी। पुलिस आर्मी के अधिकारियों की शिकायत के बाद चोरों की पतासाजी करना शुरू कर चुकी है, जहां पर सदर इलाके के शमशान घाट इलाके में रहने वाले शहजाद खान, कल्लू खान और तालिब को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी गोरखपुर अर्चना नागर ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने आर्मी इलाके में जाकर चोरी करने की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है और चोरों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। हाँ, यह दो तीन दिन पहले जीआरसी जो कैंट एरिया आर्मी एरिया वहाँ शिव मंदिर के पास से कुछ उनके आर्मी वालों के लोहे के एंगल, पाइप, पीलर और लोहे का कुछ शेड बनाने का सामान जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपये थी चोरी हुआ था। इस चोरी की विवेचना के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ की गई और उसी दौरान हमें पता चला कि शहजाद खान, कल्लू खान और तालिब ये लोग जो वहीं शमशान एरिया में रहते हैं इस चोरी में शामिल थे, जिनको पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार करके माल मशहूर का बरामद कर लिया है और इनको जेल आज भेजा जा रहा है। इनका कुछ पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? हाँ, इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, ये चोरी की घटनाओं में पहले भी संलिप्त रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।